हम ना लग पा रहे हैं ब्रेक, ना लग पा रहा है गियर भैया। ये शॉर्टकट लेके तो कर दिए बहुत बड़ी गलती मैंने। तो आज टाइम है पिथौरागढ़ को बाय बाय करने का। मैं रुका था यहाँ पे ज़्यादा देवल गांव में, तो आंटी जी हैं, आंटी जी का बहुत प्यार मिला। अभी मेरा फ्रेंड नीरज और उसकी क्यूट सी बेटी हर्षी और उसकी वाइफ लता। तो आज करते हैं पिथौरागढ़ को बाय बाय। आज मैंने पहुँचना है हल्द्वानी, तो देखते हैं वहाँ का रास्ता और कैसा है पिथौरागढ़ से हल्द्वानी का वे। दिल्ली ऑलमोस्ट यहाँ से है 500 किलोमीटर और हल्द्वानी है करीब 211 किलोमीटर, और जो बीच में अभी रोड है उसमें काम चल रहा है, तो थोड़ा मुझे नीचे घाट तक पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बता रहे हैं कि रोड सही है और नीचे पूरा है पिथौरागढ़ शहर। इसके पहले वाला आप ब्लॉग देख लेना, उसमें पूरा पिथौरागढ़ शहर आपको दिखा रखा है। ये हल्की सी मार्केट दिखाई दे रही है अभी, और यहाँ पर इसका रोड स्टेशन थोड़ा नीचे से। ऑलमोस्ट जो 60% रोड है वो इस टाइप की है, 60% जो 40% है वो बचा खराब है। अप्रैल तक ये पूरी रोड बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उधर सामने आप देख रहे हैं वो रोड जा रही है लोहागढ़ चंपावत। पहले मेरा प्लान भी वहीं से जाने का था, लेकिन उस रोड में देखो अभी वहाँ पर जेसीबी काम कर रहा है और ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई है। इधर दोनों ओर से देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ पर, तो मैंने उधर से स्किप करके यहाँ से डायरेक्ट अल्मोड़ा जाने का सोचा, क्योंकि मुझे पहले से इतने हो रहा था कि उस रोड पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो आप वहाँ से जाओगे तो दिन भर वहीं रहोगे उस रोड पर। तो ये रोड काफ़ी लंबी है, 30 किलोमीटर दूर यहाँ से लोहागढ़ है, तो मैंने वो रास्ता जाना छोड़ दिया क्योंकि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ अपने घर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं घर से निकले हुए भी। आज ऑलमोस्ट 7वां 8वां दिन है, इसलिए अब ये आ गया है ब्रिज, नदी के नीचे से आ गया है ब्रिज। और इसके नीचे बहती है सरयू नदी, इसके नीचे बहती है सरयू नदी। यहाँ से देखिए बरेली है आपके 240 किलोमीटर घाट से, टनकपुर 120, चंपावत 45 किलोमीटर, हल्द्वानी 190, नैनीताल 150 और अल्मोड़ा 89। तो वो सामने है नदी का संगम जहाँ पर मिलती है सरयू नदी और रामगंगा। रामगंगा जो आती है ये थल होते हुए, नाथनी होते हुए, और ये आती गंगोली हाथ से सरयू नदी बागेश्वर होते हुए। इन दोनों का यहाँ पर संगम हुआ था, यहाँ पर रामेश्वरम तीर्थ और इसे त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। बहुत बड़ा तीर्थ है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, सबसे बड़ा तीर्थ यही है रामेश्वरम तीर्थ। नीचे घाटी बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि नीचे छोटे छोटे गाँव हैं और खेत है, खेत काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि नदी किनारा है तो अच्छा है, सिंचाई का साधन अच्छा होगा, तो इसलिए इसकी वजह से खेती अच्छी होगी वहाँ पर। तो ये हो गया धनिया भी क्रॉस, धनिया अच्छा टाउन है। आज तो चार बजे बादल हैं, मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा, ठंडा भी काफ़ी है। खैर मैं इतना पैक करता हूँ कि मेरे को एहसास कम हो रहा है, लेकिन अगर थोड़े अगर कपड़े कम पहने होते तो ठंडा बहुत लगता। आगे कहीं रुकते हैं एक चाय के ब्रेक के लिए, फिर देखते हैं वहाँ से कहानी। तो धनिया में किया मैंने लंच, अब यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज होती है। एक रास्ता बताया उन्होंने मेरे को, शॉर्टकट है जो सीधी भीमताल निकलता है, यहाँ से करीब उसकी 15-16 किलोमीटर दूर तो एक कापती कान करके कोई जगह है, वहाँ से मेरे को कट मारना है लमगड़ा सैर पाटक होते हुए, निकलूंगा मैं सीधे भीमताल को। फिर देखते हैं रास्ता, मैंने भी देखा आप भी देखो कि कैसा रास्ता है। यानी कि ये देखो यहाँ से हल्द्वानी 130 किलोमीटर है और इस रास्ते हल्द्वानी 113 किलोमीटर है, तो यानी कि 17 किलोमीटर शॉर्ट है। तो इस रास्ते से करते हैं टर्न जो जाएगा भीमताल होते हुए। अभी रास्ता खुला होगा तो ठीक ही रहेगा, अपनी ज़िंदगी सही कट जाएगी। धनिया से करीब 15 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा की रोड पर आके ये रास्ता कट जाता है, बोर्ड लगा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन 17 किलोमीटर बहुत हो रहा है, 17 किलोमीटर बहुत कम हो गया, तो आधा घंटा मतलब मिल दो कम लगेगा, और रोड की चौड़ाई पे डिपेंड करता है बाकी। फिलहाल मैं दुनिया से करीब 30 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ। नीचे छोटे छोटे गांव हैं बहुत अच्छे, और नीचे सीढ़ीनुमा खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं। मन कहा था कि एक फ़ोटो ले लूँ यहाँ पर इसकी, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा है। चारों ओर से पहाड़ हैं बड़े बड़े, और बीच में घाटी टाइप की, और सुंदर से गांव और सीढ़ीनुमा खेत। तो अभी मैं हूँ चाय खान, एक जगह पड़ती है लमगड़ा के पास में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पी रहा हूँ मैं चाय बिस्ट टेंट हाउस में। चाय खाना बगिया ले हूँ, तो यही वाला चाय खाने हो? हाँ। अच्छा, तो जो गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाना गाया था। हाँ। तो इसी के लिए गाया हुआ था? हाँ? इसी इलाके के लिए गाया हुआ था। हाँ। अच्छा, तो मैं इसका नाम चाय खान क्यों पड़ा? क्या चाय के बगान है यहाँ पे इसलिए? अच्छा, पुराने नाम पड़े थे, पता नहीं कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये तो हमें नहीं जानकारी। अच्छा, हमने है डोला से। उधर सामने है, और कहीं यहीं से 2 किलोमीटर दूर उसका रास्ता जाता है। काफ़ी भव्य है, और विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र इसी आश्रम में लगा हुआ है। कभी नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे, सिर्फ डोर आश्रम ही आऊँगा, लेकिन आज टाइम नहीं है, तो यहीं से नमस्कार करके चलते हैं भगवान को। अब ना लग पा रहे हैं ब्रेक, ना लग पा रहा है गियर। भैया ये शॉर्टकट लेके तो कर दिए बहुत बड़ी गलती मैंने। इतना ठंडा है रास्ते में, इतना ठंडा है कसम से, मेरे पाँव ने काम करना बंद कर दिया है, इतना विकट ठंडा लग रहा है। अब तो अभी तक तो मैं सोचा था कि हाथों में लगा, हाथों में भी लग रहा है ना, ना हैंड ब्रेक लग रहा है, ना क्लच दब रहा साइडिंग से, और पाँव तो बिल्कुल भी काम करना बंद कर गए हैं। इतना ठंडा ना मेरे को कभी मुंशहरी में लगा, ना लगा कभी पंचा चूली में, जितना है धाना चूली में लग गया है, और धाना चूली भी पहुँचे भी नहीं है। नीचे देखो चारों ओर बर्फ गिरी हुई है, इतनी ऊंची ऊंची जगह है। पिथौरागढ़ से सुबह मॉर्निंग में आया, वहाँ तो बर्फ गिरी थी नहीं, लेकिन यहाँ देखो विकट बर्फ गिरी हुई है, और ठंडा इतना ज़बरदस्त है भाई साहब, कहीं आग सेकनी पड़ेगी, उसके बाद चाय आए पीनी पड़ेगी, खांसी भी होगी और जुकाम भी लग गया। तो ये जगह है खुटानी, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ अभी। यहाँ से एक रोड से जाएगी भवाली को, और ये रोड यहीं आके मिलती है। यहाँ से मैं टर्न करूँगा राइट और निकल जाऊँगा भीमताल हल्द्वानी की ओर को, और रास्ते में होने लगी स्टार्ट बारिश, दबा के बारिश हो रही है, लेंस में ही पानी आ गया होगा आगे। मैं पहले सोचता था कि हेलमेट में क्या चीज़ आ गई, मेरे साथ फॉग होगा, लेकिन देखा कि बारिश हो रही है, और अभी आप देखो मौसम कितना भयंकर हो रखा है। आधी जगह पे धूप हल्के की रोशनी है, आधी जगह पे बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी मैंने कैमरे को अडेप्टर ला रखा है, अडेप्टर बंद करना पड़ेगा कैमरे का, लग रहा क्योंकि फिर वाटरप्रूफ नहीं रहेगा ना। पहुंच गए भैया अपने शहर में हल्द्वानी। ये तो सारे शोरूम है, नैनीताल रोड में भी चल रहा हूँ, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीमताल से लेके काटू नाम तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, एम्बुलेंस पे शोर मचा रही है। मैं कह रहा हूँ कि आगे जाओ, जा नहीं रहे, मैंने इस साइड से रास्ता दिया हुआ है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे, खाली मैं साइडिंग क्या सुनाई दे रही है, क्योंकि जो मिरर की सेटिंग कर रखी है मैकेनिक ने वो बड़ी बेकार कर रखी है, इस वाले मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो अब ऐसा करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं बंद, और मिलते हैं आपको अपने रूम पर जाके, फिर आपको शेयर करते हैं पूरा एक्सपीरियंस आज की ट्रिप का, कि कैसे कैसे मैं यहाँ पहुँचा और कितनी जिल्लतें मैंने सहर की। आज के ब्लॉग में एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा जो गोप्रो मैंने माउंट किया था, उसका जो था इसको थोड़ा ढीला था, मैंने उस वक्त ध्यान दिया नहीं, और जब रूम पे आके व्यू देखा तो देखा था व्यू पूरा कट रहा है, उसके लिए मुझे माफ करना। अब समझो कैसे कैसे पहुंचा हल्द्वानी। तो भाई साहब पहुंचा मैं अपने रूम पे पिथौरागढ़ से सीधे हल्द्वानी, और जो रास्ते में धाना चूली पे मेरे को तो ठंडा लगा, विकट ठंडा लगा।
वहाँ चारों ओर बर्फ जमी हुई थी और मैंने शॉर्टकट लिया। शॉर्टकट की वजह से क्या हुआ कि वो 17 किलोमीटर शॉर्ट तो था लेकिन वहां पे आइस मेल्ट हो रही थी, इसकी वजह से ठंडा बहुत ज्यादा था। और जो रास्ता था ये था आपके पिथौरागढ़ से घाट दनिया से कुछ थोड़ा ऊपर जाके ये रास्ता कट जाता है और ये आता है आपके पदमपुरी सैर पाटक लमगड़ा होते हुए भीमताल मिलता है, खुटानी एक जगह का नाम है, वहां पर रास्ता मिलता है, फिर आप सीधे भीमताल से हल्द्वानी आ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर लिखना, और वीडियो अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।